इन तस्वीरों को देखिए, इन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये 19वीं सदी की तस्वीरें हैं। खपरेल और कच्ची दीवारों वाले जर्जर मकानों को देखकर आप समझ गए होंगे कि राजनेताओं के वादों और दावों के और जमीनी हकीकत के बीच जमीन आसमान का अंतर है। सुनसान पड़े मकान बिना चीखे हुए कह रहे हैं कि वो अनाथ हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद की हैं। बांदा के अतर्रा के ग्रामीण इलाके के इन कच्चे मकानों और इन पर लटकते तालों की अपनी कहानी है। लोग यहां से पलायन कर गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बांदा में रोजगार ही नहीं है, यहां ना कोई फैक्ट्री है ना ही कारखाना, इसलिए लोग दूसरे शहरों में आजीविका तलाश रहे हैं। पलायन की मजबूरी है लोगों की, क्योंकि यहां रोजगार मिलता नहीं है, कोई फैक्ट्रियां नहीं है। एक बांदा में कताई मिल थी, वो भी बंद पड़ी है। तो जब कोई रोजगार नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं मिलेगा, तो लोगों की मजबूरी है बाहर जाना। लगभग एक मोटा मोटा कितने लोग यहाँ? लगभग 30-35% जो गरीब तबके के लोग हैं। तो वोट भी नहीं डालने आते? वोट नहीं डालने आते, उनकी मजबूरी है। सरकार के तौर पे, क्योंकि आप सरकार के सरकारी प्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो लोग कभी आपने आवाज उठाई है भाई कुछ कुछ किया जाए इनके लिए, तो कुछ या प्रतिनिधि आपने बात की? तो हम लोग, जैसे हम लोग प्रधान हैं, हमारा जो संगठन है प्रधान संघ का, वो स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और जो सरकार के मंत्री होते हैं, हम लोग उनके मांग उठाते रहते हैं कि यहाँ कम से कम फैक्ट्रियाँ हो जाएं, तो लोगों को रोजगार मिल जाए, तो बाहर का पलायन रुक जाए। चुनाव का टाइम चल रहा है, हर तरह के नेता आते होंगे वोट मांगने, आप खाने, तो आपसे कहते होंगे अपने गांव का भी समर्थन दिलाई जी, क्या क्या आप लोग चाहते हैं, क्या डिमांड आपकी उस सुनिए? अब हमारी तो डिमांड ये है कि यहाँ रोजगार के अवसर हो जाएं, फैक्ट्रियाँ लग जाएं, तो जो यहाँ का आम जनमानस है, जो यहाँ की गरीबी है, वो दूर हो जाए। और जब यहाँ फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी तो ऑटोमेटिक रोजगार मिलेगा, तो बाहर आदमी जा नहीं पाएगा। तो हम लोगों ने जो भी प्रत्याशी आते हैं, हम लोग उनसे मांग करते हैं कि यहाँ का पलायन रोका जाए, तो किस तरह से रोका जाए, यहाँ फैक्ट्रियाँ हो जाएँ, कुछ रोजगार के उस तरह के स्थायी साधन हो जाएँ, तो पलायन रुक सकता है, यही हम लोग मांग करते हैं। कौन से जो आप बता रहे हैं 108 पूर्व हैं, तो कुछ है जगह, मतलब ज़्यादातर किस कहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं? 108 पूर्व हमारा तर्रे ग्रामीण नहीं, पूरा बांदा और यूपी सारे के सारे मंजरों के गांवों को लोग बाहर जाते हैं। और अतर्रा ग्रामीण में हमारे तो 108 मंजरों में कहीं 10-10, 5-5% तो जाते जाते हैं एक एक मंजरों से। जैसे हमारा जहाँ जहाँ बैठे हैं आप, यहाँ से कम 10% लोग तो बाहर आए हैं। उम्मीद है कि ये आवाज शासन तक पहुंचेगी, बांदा में रोजगार के अवसर खुलेंगे और इन मकानों के ताले भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।